और आप देखेंगे जल्दी जल्दी खबरें। संसद का मानसून सत्र अब तक हंगामेदार रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में किसी न किसी मुद्दे पर लगातार सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं इन सब के बीच केंद्र सरकार मंगलवार की बजाय बुधवार को राज्यसभा में चर्चा के लिए जीएसटी बिल पेश करेगी। ये परिवर्तन विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के वाराणसी में होने के कारण किया गया है। वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस ने विधेयक में तीन बिंदुओं पर अपना विरोध दर्ज किया था, जिसको ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों बिल में दो संशोधन किए गए हैं। इनमें कांग्रेस की एक मांग भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने बिल पर सभी दलों से परामर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मोदी सरकार को पूरा भरोसा है कि वह बिल पर सदन में जरूरी दो तिहाई बहुमत पालेगी। देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी कैग ने सैनिकों के खाने पर सवाल उठाए हैं। कैग ने सवाल उठाया है कि क्या सैनिकों को घटिया खाना परोसा जा रहा है, क्या उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात जवानों को ना तो ताजा खाना मिलता है और ना ही खाना जरूरत के हिसाब से मिलता है। इस रिपोर्ट को मौजूदा संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया है। रिपोर्ट में सेना के महकमों के बीच में आपसी सामंजस्य की कमी और रक्षा मंत्रालय की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सेना द्वारा खुद कराए गए सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि 68% जवान उनको परोसे जा रहे खाने को संतोषजनक या फिर निम्न स्तर का मानते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सऊदी अरब में बेरोजगार हुए 10,000 भारतीय श्रमिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है और वहां शिविरों में उन्हें भोजन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह मंगलवार को सऊदी अरब जाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा, हालांकि ये समस्या का स्थायी हल नहीं है, फैक्ट्रियां बंद कर कंपनियां भाग गई हैं, हम अपने श्रमिकों को वहां नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने उनके विदेश विभाग और श्रम विभाग से संपर्क किया है। हमने वहां के विदेश विभाग से कहा है कि वे श्रमिकों को सऊदी अरब से वापस लाने के लिए हमको अधिकृत करें। सुषमा ने कहा, उनके वेतन भी बाकी है, इसलिए मैंने श्रम विभाग से कहा है कि प्रत्येक श्रमिक एक अनुबंध पत्र पर दस्तखत करेगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने पहलवान नरसिंह यादव को राहत दी है। नाडा ने सोमवार को नरसिंह यादव पर लगा बैन हटा दिया है। नाडा का कहना है कि पहलवान नरसिंह यादव से कोई गलती नहीं हुई है। नाडा ने बताया कि नरसिंह यादव के ड्रिंक में मिलावट की गई थी, इसलिए इसमें नरसिंह यादव का कोई दोष नहीं है। अब नरसिंह यादव के रियो ओलंपिक में भाग लेने की संभावना बढ़ गई है। इससे पहले नाडा के अनुशासन पैनल ने नरसिंह से जुड़े डोप विवाद पर सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी थी। 3.5 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान नरसिंह और उनके कई वकीलों ने नाडा समिति के सामने अपना पक्ष रखा, जिस पर आज फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि नरसिंह दूसरे डोप परीक्षण में भी नाकाम रहे थे। उन्होंने दो साथी पहलवानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पाटीदार आंदोलन और दलित कांड की वजह से लगातार विरोधियों के निशाने पर रही गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने पिछले दो दिनों में तीन बड़ी घोषणाएं करके राज्य के लोगों को खुश कर दिया है। आनंदीबेन ने शनिवार को अचानक ही वलसाड के एक सरकारी कार्यक्रम में घोषणा करी कि कारों और छोटे वाहनों पर पूरे गुजरात में 15 अगस्त से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। रविवार को आनंदीबेन ने पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज हुए पथराव के 438 में से 391 केस वापस लेने का ऐलान कर दिया। अभी दिन खत्म भी नहीं हुआ था कि आनंदीबेन पटेल सरकार ने और बड़ी घोषणा कर नाराज चल रहे गुजरात के 4.65 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4.12 लाख पेंशन धारकों को खुश कर दिया। सीएम ने ऐलान किया कि राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आरोप मुक्त किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। यह याचिका पूर्व आईएएस और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दायर की थी।
याचिका पर लगभग आधे घंटे तक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने इस मामले को खारिज कर दिया। मंदर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत निचली अदालत बीजेपी अध्यक्ष को आरोप मुक्त किए जाने का फैसला बरकरार रखा गया था। शाह को राहत देते हुए पीठ ने कहा, जब कोई व्यक्ति वाकई व्यथित हो तो मुद्दा एक अलग रंग लेता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का दूर दूर तक संपर्क ना हो और वह मामले को पूर्ण जीवित करना चाहता हो तो ये एक अलग मसला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों को अलर्ट किया है कि उन्हें अब ज्यादा सावधान रहना होगा। पंजाब में होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित है, इसलिए विरोधी दल हमें बदनाम करने के लिए लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने विधायकों को ये भी सलाह दी कि वे पुलिस के साथ साथ किसी से भी उलझने का प्रयास न करें और अपने इलाकों में लोगों के काम करने में जुटे रहे। केजरीवाल सोमवार से 10 दिन के लिए विपश्यना के लिए हिमाचल जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने विधायकों को सलाह देने का ये कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने विधायकों से कहा कि हमें अब और सावधान रहना होगा, विरोधी लोग हमें उकसाएंगे, हमारे परिवारों पर दबाव डालेंगे और हमें फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें एकता दिखानी होगी। उन्होंने विधायकों को ये भी कहा कि उनकी अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार का नेतृत्व करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का वॉक द टॉक कार्यक्रम सफल बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रोड शो को सफल बनाने में अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 2 अगस्त को होने वाले रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशांत किशोर बनारस पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व सांसद जफर अली नकवी, पूर्वांचल चुनाव प्रभारी व पिंडरा से विधायक अजय राय, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा आदि के साथ बैठक की और पूरी जानकारी एकत्र की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी वाराणसी पहुंच गए हैं। सभी पदाधिकारी और नेता अब वाराणसी में ही रहकर रणनीति को अंतिम रूप देंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का समर्थन किया है। पर्रिकर ने असहिष्णुता पर बहस को लेकर बॉलीवुड स्टार आमिर खान की खिंचाई की थी। स्वामी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा, आमिर पर पर्रिकर के बयान पर इतना हो हल्ला क्यों? अगर आमिर जन्मभूमि से बेइंतहा मोहब्बत से अनजान है तो उन्हें एक टीचर की जरूरत है। स्वामी का बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी पार्टियों ने पर्रिकर के बयान के लिए उनकी आलोचना की है। एनसीपी के नेता माजिद मेमन ने कहा, मुद्दे को उठाने का कोई तुक ही नहीं बनता। आमिर खान को राष्ट्र विरोधी बताकर पर्रिकर ने गलत किया। आमिर ने भारत की नहीं बल्कि सरकार की आलोचना की थी जो कि देश में शासन करने में नाकाम रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भाभी रिजवाना इकबाल हसन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि उन्हें विदेश घूमने के लिए भारत सरकार से पासपोर्ट चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया और यूके जाना चाहती है। याचिका में रिजवाना ने इन देशों में जाने की वजह भी बताई है। रिजवाना ने बताया कि उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है और बेटे का एडमिशन अभी यूके की यूनिवर्सिटी में हुआ है, लिहाजा वो वहां जाकर उनको सेटल डाउन करना चाहती है। फिलहाल भारत सरकार ने रिजवाना को भारत से दुबई और दुबई से भारत यात्रा करने का ही पासपोर्ट जारी किया हुआ है। वो किसी और देश में यात्रा नहीं कर सकती। ऐसा उसके दाऊद इब्राहिम से पारिवारिक रिश्तों के चलते किया गया है। मूसलाधार बारिश से सोमवार की सुबह मुगलसराय रेलवे यार्ड में भारी जलभराव हो गया। रेलवे ट्रैक में पानी भरने के कारण सिग्नल फेल हो गए और दर्जन भर ट्रेनें जहां तहां खड़ी हो गई। इससे यात्रियों को काफी फजीहत हुई। लगभग 1.25 घंटा बाद बरसात कम होने पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। सिग्नल फेल होने के बाद अप व डाउन की ट्रेनों को मुगलसराय स्टेशन व आउटर के अलावा जीवनाथपुर, कुचमन आदि स्टेशनों पर रोकना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से एक हफ्ते में 2 बार ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ चुका है। सिग्नल फेल होने से बीते 26 जुलाई को भी 3.5 घंटे तक ट्रेनों की रफ्तार रुक गई थी। बारिश से निपटने के लिए रेल प्रशासन के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस्तीफे की मांग की। मायावती ने संसद भवन में संवाददाताओं से कहा कि बुलंदशहर की दुष्कर्म की घटना से ये साबित हो गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा, इस घटना से साफ जाहिर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं जंगल राज चल रहा है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस
जघन्य घटना की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर उत्तर प्रदेश में ही संभाला जा रहा तो बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, ये मेरी सलाह है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुए गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस अधिकारियों को इस घटना का खुलासा करने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद अधिकारियों की नींद उड़ गई है। अखिलेश के सख्त तेवर के चलते अब तक एसएसपी और इंस्पेक्टर समेत 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि अभी और कई अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव दीपक सिंघल को तलब किया और प्रमुख सचिव देवाशीष पांडा और पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद को फौरन घटनास्थल पर भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि इस मामले में प्रभावी कार्रवाई न होने की स्थिति में पुलिस विभाग में उच्चतम स्तर पर भी कार्रवाई हो सकती है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।